बारे में। एडवांटेजेस ये है कि बजाज, बट अगर ऑप्शन में रखा जाए तो आरएस आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी कि नहीं? अगर देखा जाए थोड़ी ऑल राइट, सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ। और आज कवर करने जा रही है वाली पल्सर आरएस। एक्चुअली इसमें हम लोग बताएंगे ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा इसका रिव्यू, और अप्रॉक्स कितने साल, 5-6 साल हो गए हैं? 5 साल इस मोटरसाइकिल को गए। BS3 आरएस ये मेरे सामने खड़ी हुई है, और इसका ओनरशिप रिव्यू बताएंगे कैसा रहा और चलाने में क्या क्या रहा। और बाकी पहले स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो से, बट अगर आपने इसकी एग्जॉस्ट वाली साउंड की वीडियो नहीं देखी, जो कि यहाँ पे इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा है, रेप्लिका है एक्रा पोवे का, बट साउंड काफ़ी यूनिक आ रही है, तो अगर आपको साउंड सुननी है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये 365 डेज की वीडियोज़ में किसी एक में ऐड होगी, तो इतना मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वीडियोज़ बहुत बन रही, अपलोड्स लगातार हो रहे हैं। और बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले सिनेमैटिक देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी ने इसके सिनेमैटिक देख लिए होंगे, और बाकी बात करते हैं भैया से। ये हम प्रतीक भैया, और इन्हीं की ये मोटरसाइकिल है, तो पहले हाय बोली ऑडियंस को भैया। तो इन्हीं की ये मोटरसाइकिल है और काफ़ी वेल मेंटेन है, इन्होंने करके रखा है। एक्चुअली जब ये आई थी इनके पास, इन्होंने इसको सेकेंड हैंड परचेज़ किया था, तो सेकेंड हैंड में इतनी भी अच्छी नहीं थी, बट जब इनके पास आई तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसा ही नहीं लग रहा है कि ये सेकेंड हैंड है। और पहले 220 मॉडल है, पहले इनके पास पल्सर 220 थी, और उनको भी काफ़ी अच्छा रखा गया, वो वाली 220 अभी भी हम मिस करते हैं, बट वो वाली 220 काफ़ी अच्छी थी। बाकी कैसा लगा जब आपने बाइक खरीदी थी, तो क्या सीन रहा था? एक्चुअली मुझे आरएस स्टार्टिंग से ही पसंद थी, तो यही मेरा प्लान था 220 के बाद लेनी है आरएस। बट एक्चुअली फिर क्या हुआ कि एक कॉन्टैक्ट में मेरे आई, तो ये बैंक में एक ऑक्शन पर थी गाड़ी है, जिसने ली थी उसने ईएमआई नहीं फिलअप करी थी, उस टाइम गाड़ी 15,000 चली थी, मैं 15,000 चली हुई थी, मैं 50,000 में खरीद के आया था, गाड़ी बहुत सस्ती मिली थी मुझे। बट जब मैं लेके आया, मैंने सर्विस कराई, तब पता चला इसका फ्यूल पंप खराब था, इंजेक्टर खराब था, क्लच प्लेट्स डाउन थे, तो उस टाइम मैंने उसमें करीब 15-20 हज़ार रुपये लगाया। उसके बाद से ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है, गाड़ी सही चल रही, टायर चेंज कराए थे, दैट्स इट। मतलब कुल मिला के इसमें अप्रॉक्स 50-60 हज़ार का मतलब बाइक पूरी बन गई थी। फ्यूल पंप का इशू आया था, और मोस्टली आरएस में जो इशू रेगुलर आता रहता है वो क्या है, ब्रेकिंग से रिलेटेड या इंजन से रिलेटेड क्या हो सकता है? एक्चुअली जो मेन इशू इसमें सबसे ज़्यादा आता है वो एबीएस का, एबीएस का कोई भरोसा नहीं, कब आपका साथ छोड़ दे, कब चलता रहे, कुछ नहीं कह सकते एबीएस का। तो यहाँ पे इसका एबीएस, और भी मैं एक बार लाइट एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एबीएस लाइट अभी एक्टिवेट, ये तो खैर बाइक आप चलाओगे तभी ऑफ होती है, बट अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने इसमें बताया था कि यहाँ एबीएस लाइट ऑन सॉरी ऑफ नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि एबीएस अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसमें दिक्कत दे रहा है। और ABS होने के बावजूद भी गाड़ी सिंगल डिस्क पे चल रही है, विदाउट ABS में काम कर रही है। और क्या लगे एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, पहले डिसएडवांटेज कुछ बताइए इसके बारे में। डिसएडवांटेजेस ये है कि बजाज की बिल्ड क्वालिटी है, फेयरिंग इसकी बहुत वाइब्रेट होती है, अभी तो जैसे तैसे हाई रेप्स में, हाई स्पीड में, हाई रेप्स में बहुत वाइब्रेट होती है, तो जैसे तैसे करके वो करी है, उसकी वाइब्रेशन मिटाई है। दूसरी चीज़ ये है बजाज की फ्यूल इकोनॉमी बहुत ही घटिया है, 30 से ऊपर आपको कमी माइलेज नहीं देगी, आप 40 पे चलाओ, 120 पे चलाओ, और बाकी बस ऐसे कोई है नहीं। और डिसएडवांटेज भाई लगा थोड़ा सा ब्रेकिंग का, और बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की थोड़ी इतनी बेटर नहीं है। और बाकी अगर हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले एडवांटेज में अगर मैं बताऊंगा तो पावर पिकअप, इस सेगमेंट के में पावर पिकअप सिर्फ RC 200 ही दे पाएगी, अगर इंडियन ब्रांड में बात करें तो शायद यही मोटरसाइकिल है वो जो पावर पिकअप में काफ़ी ज़्यादा है आपके हिसाब से। हाँ, पावर पिकअप जैसा आपने बताया, तो पावर देखिए अभी 200 सीसी है, टॉप एंड 150 के आसपास टच करती है, इतनी 200 सीसी कोई नहीं जाती, 200 कोई नहीं जाती है। दूसरी चीज़ एडवांटेज इसका ये लगा मुझे कि मतलब लुक, गाड़ी का लुक, लुक एकदम यूनिक है, हटके है काफ़ी, थोड़ा सा बम्बल बी टाइप, बम्बल बी टाइप दे रखा है। और क्या है, इंजन का थोड़ा, इंजन रिलायबिलिटी अच्छी है इसकी,
तो यहाँ पे ये पूरा ओनरशिप इसका ये रिव्यू है। बट अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे R15 है और यहाँ पे अब तो R15 ये वाली V3 बंद हो चुकी है, बट इसके रिलायबल में एक और आई है जो कि R15 M है। बट बहुत सारे RS वाले फ़ैन हैं, उन्हें अभी भी RS पसंद है और RS में अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है। RC 200 और R15 में तब भी अपडेट कर दिया गया है। तो इस टाइम में लाइक 2022 में RS लेना सही है या नहीं भी है, आपके हिसाब से क्या रहेगा? RS लेना बहुत सही, क्योंकि BS6 जो अभी आ रही है उसका साउंड मतलब काफ़ी चीज़ें बजाज ने बेटर करी है। रिफाइनमेंट थोड़ी सी अच्छी की है, क्वालिटी भी पहले से बेटर दे रखी गाड़ी में थोड़ी सी। और अभी तो न्यूज़ के हिसाब से सुनने में आया RS NS डिसकंटिन्यू हो रही है, बाकी बजाज वाले जाने क्या होता है। मे भी उसके रिवाइवल में कोई दूसरा वो प्रोडक्ट लॉन्च करें या उसी RS को रिट्यून करके कुछ नए उसमें लॉन्च करें। बट ये वाली RS में जो फ्रंट वाली लाइट है, सारा खेल इसी का है। और इसमें आपको यहाँ पे रिंग लाइट इसमें देखने को मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे एंगल में दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा एलियन टाइप का लुक आ रहा होगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अप्रॉक्स 25,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। और अभी तक क्या माइलेज निकल के आ रहा है इस बाइक का? माइलेज अप्रॉक्स जैसे मैंने हाईवे में निकाला है 37-38 निकाला है मैक्सिमम माइलेज, एंड सिटी में तो 28-30-32, बस दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं देने वाली है। बट अगर ऑप्शन में रखा जाए तो RS आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी कि नहीं? अगर देखा जाए थोड़ी सी डेटेड हो चुकी है, थोड़ी सी डेटेड आउटडेटेड है, तो आउटडेटेड है, सही चॉइस है। क्योंकि अगर कंपेयर करें RC से तो प्राइस बहुत कम है इसका, प्राइस कम, परफॉर्मेंस लगभग सेम ही देती है, बट लुक्स में थोड़ी सी RC बेटर हो गई है। यही टॉप एंड में RC 200 140 पे कट ऑफ कर लेती है, ये तब भी 150 तक टिकी रहती है। बाकी पावर पिकअप तो जानते ही आप, अगर आपने RS कभी चलाई हो, नहीं भी चलाई हो तो एक बार ट्राई आप कर सकते हो RS चला के, तो आपको पता चलेगा पावर पिकअप कितना अच्छा है इस मोटरसाइकिल का। और इतना मतलब सही रेट में आपको बजाज एक फेयरिंग बाइक प्रोवाइड कर देती है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाकी इन्होंने पूरा फुल ब्लैक करके रखा है इसे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिनेमैटिक्स में आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने सिनेमैटिक्स में दिखाए थे आपको। तो इतना ही साथ ये ओनरशिप रिव्यू, बाकी यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स वॉचिंग गाइस।